काकू साहब प्लीज उस ड्राइवर को अभी फोन कीजिए और मना कीजिए कि वो डॉक्टर का एक्सीडेंट ना करे प्लीज। क्यों? क्योंकि आदि अभी डॉक्टर को पिकअप करने गया है काकू साहब। क्या? प्लीज अगर आदि डॉक्टर के साथ रहेगा और वो एक्सीडेंट, प्लीज काकू साहब कुछ करिए, प्लीज कॉल कीजिए। हरको प्लीज आदि को कुछ ना हो प्लीज। फोन ऑफ है। नहीं नहीं आप फिर से ट्राई कीजिए, किसी और को ट्राई कीजिए काकू साहब। अगर आदि डॉक्टर के साथ रहा जब एक्सीडेंट होगा तो नहीं प्लीज काकू साहब मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज उस ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अगर उससे कांटेक्ट हो गया तो कुछ हो सकता है, तो वो आदमी डॉक्टर को ट्रक से उड़ा कर रहेगा। जिस आदमी को मैंने ये काम सौंपा है जब तक वो काम कम्प्लीट नहीं करता वो चैन की सांस नहीं लेगा। प्लीज काकू साहब प्लीज उससे बात करने की कोशिश कीजिए, किसी और को फोन कीजिए। आई डोंट नो, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं प्लीज प्लीज। मैं कर रहा हूँ निशा, तुम जाओ। काकू साहब ट्राई करते रहना प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, अभी एक एक्सीडेंट हुआ एमजी रोड पे, कोई केस आया आपके पास? सर प्लीज वेट, टेक सम टाइम। हाँ सर आया तो है। कहाँ है? वो डॉक्टर देशपांडे केस देख रहे हैं वहाँ। थैंक यू। डॉक्टर वो एक्सीडेंट केस आया ना आपके पास, कहाँ है वो, कैसे? मैं, ये उनकी फैमिली है, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। आई एम सॉरी, वो अब नहीं रहे। भाभी भाभी संभालिए अपने आपको। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि शक्ल पहचानने में नहीं आ रही। पर उनकी बॉडी ऑपरेशन थिएटर में है, आप वहां जाकर के उनकी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जाइए यार, एक गुड लक किस तो बनता है। ठीक है कोई बात, एक बार निशा का सच सबके सामने आ गया मेरी हर सुबह तुम्हारा चेहरा देख करूंगी।